नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अम्मार इस्लामी न्यूज में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। सिटी प्लाजा फंक्शनल अंसारी रोड पे अभी 4:15 के दरमियान एक मोहम्मद जावेर बोल के माइलाडेवपल्ली पीएस लिमिट्स में रहते उन्हों तो उनको यहाँ पे एक 5 से 6 आदमियाँ उनके ऊपर अटैक करके अटैक करे तो उनको लोकलिटी पीपल इमिडिएटली उस्मानिया को शिफ्ट करे, वहाँ पे उनका डेथ हो गया। अभी उनके फैमिली मेम्बर से कंप्लेंट लेके केस रजिस्टर करते उन लोगों को अरेस्ट करे सब नहीं अभी नहीं करे, तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ उसमें तो जो कुछ भी है मुजरिम सब लोग वहाँ को अरेस्ट करें। ये मरहूम एक शानूर गाजी के मर्डर केस में थे ना, वो काला पत्थर लिमिट्स में हुआ था, उसमें मुजरिम है जो मर गए और माइलाडेवपल्ली के राउडी शूटर भी है। और आए दिन साइबराबाद लिमिट के एरिया में माइलाडेवपल्ली पीएस के लिमिट में कई मर्डरा हो रहे हैं और बारहा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पुलिस के आला अहदेदार और साइबराबाद सीपी को नुमाइंदगी कर रहे हैं कि लाइन आर्डर अपने काबू में रखिए और ये जो रोडी शीटर्स है उनके ऊपर सख्त से सख्त कानून लगाकर आप अपने एरिया को कंट्रोल में रखिए बोलकर बारहा नुमाइंदगी कर रहे हैं। आज देखिए आप बाद नमाज जुम्मा ये मर्डर हुआ है, कल इतनी बड़ी शबे मेरा जागने की रात थी उसके दूसरे दिन ही यह हादसा हुआ है। बहुत अफसोसनाक बात है कि आए दिन ये मटरा और एक भाई दूसरे भाई को मारकर ऐसे खतला हो रहे हैं, इसकी मंजिल से इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजम्मत करती है। आज मैं और हमारे एरिया कॉर्पोरेटर जनाब मोहम्मद मुबीन साहब सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरशर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत के ऊपर यहाँ पर आए, यहाँ के हालात का जायज़ा लिए। इसकी डिटेल रिपोर्ट सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरशर असदुद्दीन अवैसी साहब को दी जाती है। मैं इस मौके के ऊपर एक ही बात बोलना चाहता हूँ, माइलाडेवपल्ली लिमिट के अंदर तकरीबन एक 4-5 महीने के अंदर एक 5-6 मर्डर हुए हैं, पुलिस भी सख्त से सख्त कानून लगाकर ये लोग के ऊपर सख्ती करने से क्राइम रुकेगा। सर एक सवाल है सर, ये रोडी शूटर से इसका इंतकाल हो चुका है? अभी पुलिस तहकीकात कर रही है।